भारत की कमर्शियल कैपिटल मुंबई का एक जाना माना उपनगर वसई। कुल एरिया 9,33,700 हेक्टर। रफ्तार के शहर मुंबई में आशियाना तलाशती आंखें और उनमें पल रहे सपनों ने तेजी से विकास की रफ्तार पकड़ चुके वसई की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। विरार वसई, एज आई रिमेम्बर 5 to 10 इयर्स अगो, इट वाज वे डिफरेंट देन व्हाट इट इज राइट नाउ। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट, taking education, taking medical facilities, taking transport and infrastructure. I think in the next, not even 5 to 10 years, even before that, I think Virar Vasai will be one of the most sprawling cities that Mumbai will ever have. ऐतिहासिक कहा जाने वाला वसई अब भविष्य की तकदीर लिखने के लिए आगे बढ़ चला है और इसकी संवरती हुई तकदीर में महत्वपूर्ण योगदान है MAAD डेवलपर्स का, जिन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत 1991 में की। में नालासोपारा में सबसे पहला बिल्डिंग जो बनाया वो 5,000 स्क्वायर फीट का था। उस तरह हमने ये सफ़र शुरू किया था और आज 2014 में सहारा लैंड डेवलपर से जो सबसे बड़ा चंक परचेज किया है, दैट इज़ 265 एकर्स, उसका विजन हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना है। वसई की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए वहाँ रहन सहन के स्तर का बेहतर होना जरूरी है। इसीलिए पिछले कई दशकों से MAAD डेवलपर्स लोगों को बेहतरीन सुविधाओं के साथ उन्हीं के बजट में घर दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। बजट होम्स जो हमने बनाए, स्टार्ट किए थे, उससे लेकर आज तक जो भी लोगों का हमको साथ सहकार मिला है, उस प्रोग्रेस करने के अंदर उसमें जो ऑन टाइम डिलीवरी और अच्छे क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन देने की वजह से आज हम लोगों का 1999 का जो पहला 5,000 फुट का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसे आज हम लोग तकरीबन 2 करोड़ फुट तक पहुंच गए हैं। लोगों के साथ सहकार और पार्टनर्स और ग्रुप डायरेक्टर्स की वजह से ये हमारा जो प्रोग्रेस हुआ है 15 साल में, उसमें लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तरक्की के लिए सीढ़ियां तो कई चढ़ते हैं, लेकिन मुकाम तक वही पहुँच पाते हैं जो विश्वास की डोर को थामे रखते हैं। MAAD डेवलपर्स जहां खुद में विश्वास रखते हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों का विश्वास भी उनके उम्दा कंस्ट्रक्शन में है। इसीलिए हमेशा से MAAD डेवलपर्स का मोटो रहा है ट्रस्ट। विश्वास शब्द के मायने में लोगों ने इस शब्द का प्रूफ दिया है, हम लोगों के प्रोग्रेस को जो मल्टीप्लिकेशन किया है लोगों ने, जो 95 की पहली बिल्डिंग 5,000 स्क्वायर फीट की और आज 2014 में करीबन 1.5 करोड़ फुट काम हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर चुके हैं इस 15 सालों में। और अब जो हम लोगों ने बड़ी जंप ली है, जो सहारा लैंड से परचेज किया है 265 एकड़, उसके अंदर 1 करोड़ फुट से ऊपर का अफोर्डेबल हाउसिंग जो हम लोग अब बनाने जा रहे हैं, उसी से आपको इस विश्वास शब्द का क्लेरिफिकेशन मिलता है। कहते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। MAAD डेवलपर्स भी उन्हीं में से एक है। अपने हर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत वो आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए करते हैं, जिससे कि हर किसी को अपने सपनों का आशियाना मिल सके। लोगों ने आज तक मैक्सिमम जो काम किया है, उसका बेसिक स्पेशलिटी है अफोर्डेबल हाउसिंग, जो लोगों ने पसंद किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग में हम लोगों ने आज तक जो डिलीवरी दी है लोगों को, जो पोजीशंस दिए हैं, जो लोग रहने को आए हैं, उस स्टेज की, उस लेवल के काम करने के बाद मिनिमम लो प्रॉफिट कॉस्टिंग में काम किया है,
वही लोगों का विश्वास रहा है। इसी वजह से हम लोगों को स्पेशल यहाँ माना जाता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने वाले लोगों के ग्रुप में से हम लोग। कहते हैं कि घर में जगह बनानी हो तो मन में जगह बनानी चाहिए, और मार्ट डेवलपर्स अपने हर क्लाइंट के मन में जगह बनाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि ये वो सभी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराते हैं जिसकी जरूरत हर एक इंसान को तब पड़ती है जब वो अपना सर ढकने के लिए एक छत तलाश रहा होता है। शहर में जो घर नहीं ले पाता है वो वसई विरार आता है, और वसई विरार आने वाले बंदे को अगर हम घर देते हैं और उसे हाउसिंग लोन लेना पड़े आधा पेट काट के, जो आदमी यहाँ लाइफ जीता है उसको हम लोगों ने घर का पोजीशन देने से लेके उसका कम से कम 20 साल तक जो लोन रीपेमेंट का पीरियड है तब तक उसको कोई मेंटेनेंस नहीं आवे, इस बेस के क्वालिटी का घर देने में हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आज दुनिया स्मार्ट हो रही है, ऐसे में स्मार्ट होम का कंसेप्ट लोगों को काफी पसंद आ रहा है। मार्ट डेवलपर्स ने बड़े पैमाने पर स्मार्ट होम बनाने की शुरुआत की है जिससे लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में लग्जरी होम मिल सके। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यहाँ बेसिकली अब इस प्रोजेक्ट सहारा लैंड में स्टार्ट करने के लिए सोचा है, उसके अंदर हम लोगों ने ऑल द कॉमन एमिनिटीज जो हर एक कॉमन आदमी को देनी चाहिए उसके बारे में हमने सोच क्लियर रखी है कि उस सिटी में हम लोगों को एजुकेशनल फील्ड, हॉस्पिटल, ड्रामा थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स और कॉमन एमिनिटीज, जो शॉपिंग, लोगों को दूर दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, जिनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत खर्च होता है, वो सारी की सारी चीज़ें इन वन प्रीमाइसेस दे पाएँ, ऐसा हम लोगों ने कुछ प्लानिंग करने के लिए सोचा। We call it Yashwant Smart City to start off with. It's an area of around 600 acres. We have planned to keep almost 40-50% of that area for open spaces, for educational hubs, for medical facilities. We are also planning to make it as one of the biggest sports hubs. As you know, we do not have spaces in Bombay. We also have a Delhi freight corridor that is passing very close from our layout. So we are planning for an FTWZ, which is a free trade warehousing zone in that area as well. Real estate ke jankar kehte hain, Mumbai shahar mein bheed badhti ja rahi hai. Aur isi wajah se Mumbai mein sudhar lana ho, to redevelopment ke siwaye dusra koi vikalp nahi. जबकि विरार, वसई जैसे इलाकों में घरों की आपूर्ति बढ़ाकर उस हिसाब से विकास करना संभव है। इन जगहों पर रिहायशी इलाकों का जबरदस्त विकास हो रहा है, साथ ही जाने माने बिल्डर्स इन इलाकों में निवेश कर रहे हैं। घर खरीदार भी ऐसे घरों की तलाश में हैं जो किफायती हों और जिनमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों। ऐसे में मार्ट डेवलपर्स के जरिए बनाए जा रहे स्मार्ट होम लोगों की जिंदगी में नए रंग भरने के लिए काफी हैं। We have a proposed metro which will be passing from the layout. We have a highway that is proposed which is again very close to the layout. Infrastructure wise, we have a freight corridor, like I said, an highway, a metro station that is coming up just in the layout. So an FTWZ which is being proposed just near the freight corridor. Moreover, we'll be having a 15-acre garden in the entire layout. We are mostly planning the entire city to be a complete green city, you can say, an environmental friendly city which is not very far from the Daisar toll. It is about 20-25 minutes exactly from the Daisar toll. So when you come out from a city which is a complete concrete jungle, you come just 25 to 30 minutes away from that jungle and you have a city that is so environmentally friendly, so fresh, with all the amenities that we provide, everything at an absolute affordable prices. कहते हैं इरादे नेक हों तो अंजाम भी अच्छा होता है। वसई विरार के बेहतरीन और सुनहरे भविष्य की झलक और उसकी आहट को हर कोई महसूस कर सकता है। ऐसे में आप भी अगर तलाश रहे हैं अपने सपनों का आशियाना, तो आप भी वसई में बनने जा रहे मार्ट डेवलपर्स के स्मार्ट होम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं।
and welcome to Let's Talk. Today, I, Pooja Solanki, have brought you in Vasai area. And today, we are in conversation with Ms. Grishma Patil, who is a BBA from London and MBA from Mumbai University. And currently, she is handling development and innovations at MAAD Developers. Let's speak to her. Hi, Grishma. Welcome to the show. Hello. Grishma, talking about the development in Vasai area, it's been gradually developing. So what's your stance on that? Virar Vasai, as I remember, 5 to 10 years ago, it was way different than what it is right now. We've seen a lot of development, taking education, taking medical facilities, taking transport and infrastructure. Okay. I think in the next, not even 5 to 10 years, even before that, I think Virar Vasai will be one of the most sprawling cities that Mumbai will ever have. Talking from your side, MAAD Developers have largely contributed to the development of the Vasai Virar belt. Your comment on that? MAAD Developers, you can say, is one of the many branches which operate under AMIA group of companies. It's a new company. It has started from, as Devendra Ladhani said, a very small base. So we know how it feels to be at a lower level, and we know how it feels to be at a higher level. Accordingly, we will be developing Vasai Virar area. What could be the strategy to attract buyers? We don't think we have to persuade the buyer specially. I think looking at the layout, looking at how green the city is going to be and the amount of amenities and facilities we'll be providing to the city, I think the buyers will automatically be attracted to Yashwant Smart City. Talking about Smart City, you know, the kind of facilities that you're providing, how would you classify it? Whether it's a luxurious project or it's an affordable project? When it comes to classifying, I can say that the city is going to be a luxurious project with affordable pricing. Like we have been always mentioning that we are aiming for a middle class strata of the population. We will be providing everything at absolute affordable prices. Luxurious home in a budget segment. That sounds really great. Grishma, could you tell me how would you achieve it? To start with, I would mention my father's name, Mr. Rajiv Patil. He is the owner of AMIA group of companies and a mentor to all the companies, or you can say sub-companies, which MAAD is one of the part. He has always dreamt of providing affordable housing, affordable education to people. As we all know, almost 60% of the population in India lives either below poverty line or on an average level. Not everyone can afford a house. That is the reason a project like this has always been his dream, where we can provide houses to the maximum people living in Virar Vasai, or you can say Bombay, who can come here, invest. Because as we all know, when people buy a house, it's like investing the whole amount of money that people have ever earned. So when you talk about luxurious and when you talk about affordable pricing, what we mean to say is affordable housing with an absolute luxurious environment. Grishma, since you said that you have studied abroad and now you're in India, what are the kind of planning, development or architecture that you have seen there and you want to see that in India? So what kind of changes from your side you shall bring to the group, or for that matter, for the country, for the Indian side, Mumbai, Vasai? Like I've been introduced before, I have studied from the UK. What we noticed out of India is how efficiently the work is done, what amount of open spaces and green environment that has been created outside India. So when it comes to innovation, when it comes to planning this city, we have introduced precast technology, where residential complexes that we'll be providing can be sped up. It shouldn't take more than a certain amount of time because people have already invested their money in our projects. So we will be trying to provide the residential complexes or the entire Yashwant Smart City as soon as possible. Last but not the least, Smart City and Vasai.
how Vasai will benefit from smart city? The Yashwant smart city that will be coming up in Vasai will bring Vasai on India map, straight away on India map. This is what I believe, because what we will be developing and providing is something that not many people think of. We are thinking of the maximum population of India where people do not afford houses. We will be providing affordable housing and many other amenities that I've talked before. Okay, being a part of the Spin TV, I would like to wish you luck for your smart city project. I hope that with smart city, Vasai develops and Mumbai develops. Thank you so much, Grishma. We are really grateful to you for coming on our show and speaking with us. Thanks a lot for Spin TV. It's a pleasure talking to you guys. So this was Grishma Patil speaking with us. We got to know a lot about Vasai and its development in the coming years. होगी MAAD डेवलपर्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर देवेंद्र लधानी से. तो चलिए उनसे बात करते हैं. वेलकम टू द शो सर. सर, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने इस कंपनी की शुरुआत कैसे की. 1999 में नालासोपारा में सबसे पहला बिल्डिंग जो बनाया वो 5000 स्क्वायर फीट का था. उस तरह हमने ये सफर शुरू किया था और आज 2014 में सहारा लैंड डेवलपर से जो सबसे बड़ा चंक परचेज किया है दैट इज 265 acres. उसका विजन हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना है. बिल्कुल सही कहा सर आपने. सर, जब हम कभी भी कोई काम शुरू करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आपको क्या क्या दिक्कतें आई. बजट होम्स जो हमने बनाए स्टार्ट किए थे उससे लेकर आज तक जो भी लोगों का हमको साथ सहकार मिला है उस प्रोग्रेस करने के अंदर उसमें जो ऑन टाइम डिलीवरी और अच्छे क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन देने की वजह से आज हम लोगों का 1999 का जो पहला 5000 फुट का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उसे आज हम लोग तकरीबन 2 करोड़ फुट तक पहुंच गए हैं. लोगों के साथ सहकार और पार्टनर्स और ग्रुप डायरेक्टर्स की वजह से ये हमारा जो प्रोग्रेस हुआ है 15 साल में उसमें लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है. बजट होम्स की आपने बात की, अफोर्डेबल हाउसिंग की आपने बात की, आप आम आदमी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है. सर, आपका कंपनी का जो मोटो है वो है ट्रस्ट, विश्वास. सर, इस वर्ड के आपके लिए क्या मायने हैं. विश्वास शब्द के मायने में लोगों ने इस शब्द का प्रूफ दिया है. हम लोगों के प्रोग्रेस को जो मल्टीप्लीकेशन किया है लोगों ने, जो 99 की 95 की पहली बिल्डिंग 5000 स्क्वायर फीट की और आज 2014 में तकरीबन 1.5 करोड़ फुट काम हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर चुके हैं इस 15 सालों में. और अब जो हम लोगों ने बड़ी जंप ली है, जो सहारा लैंड से परचेज किया है 265 एकड़, उसके अंदर 1 करोड़ फुट से ऊपर का अफोर्डेबल हाउसिंग जो हम लोग अब बनाने जा रहे हैं उसी से आपको इस विश्वास शब्द का क्लेरिफिकेशन मिलता है. वसई एरिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसके बारे में आपका क्या कहना है. वसई एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हुई है, ना बिल्डर्स को, ना डेवलपर्स को, ना परचेसर को, ना सप्लायर्स को, ना लोगों को. तो जब जब काम शुरुआत किया तब लोगों से, सप्लायरों से, लैंडलॉर्ड से, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से और कंपनी से और ग्रुप से और पार्टनर से जो हमेशा सपोर्ट मिला है उसी की वजह से आज हम लोग ये स्टेटस पे पहुंचे हैं. तो वसई विरार में काम करने वाले लोगों को कोई दिक्कत शब्द कहीं लागू ही नहीं पड़ा है आज तक. ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा. सर, हम पूछना चाहेंगे कि वसई की ओवरऑल डेवलपमेंट में आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. क्लियरिटी इन द प्रोजेक्ट एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर द प्रोजेक्ट और लोगों को इन टाइम डिलीवरी देना और उनको अफोर्ड हो वैसा काम करके उनको देना. मैं जानना चाहूंगी कि आपकी कंपनी की USP क्या है, ऐसा क्या है जो आपको यहाँ तक लेकर आया है. हम लोगों ने आज तक मैक्सिमम जो काम किया है उसका बेसिक स्पेशलिटी है अफोर्डेबल हाउसिंग, जो लोगों ने पसंद किया है
अफोर्डेबल हाउसिंग में हम लोगों ने आज तक जो डिलीवरी दी है लोगों को, जो पोजीशंस दिए हैं, जो लोग रहने को आए हैं, उस स्टेज की, उस लेवल के काम करने के बाद मिनिमम लो प्रॉफिट कॉस्टिंग में काम किया है, वही लोगों का विश्वास रहा है। इसी वजह से हम लोगों को स्पेशल यहाँ माना जाता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने वाले लोगों के ग्रुप में से हम लोग हैं। इंसान सबसे ज़्यादा खुद को घर के करीब मानता है, तो आपके राय में घर की डेफिनेशन क्या है? शहर में जो घर नहीं ले पाता है वो वसई विरार आता है, और वसई विरार आने वाले बंदे को अगर हम घर देते हैं और उसे हाउसिंग लोन लेना पड़े, आधा पेट काट के जो आदमी यहाँ लाइफ जीता है, उसको हम लोगों ने घर का पोजीशन देने से लेके उसका कम से कम 20 साल तक जो लोन रीपेमेंट का पीरियड है तब तक उसको कोई मेंटेनेंस नहीं आवे, इस बेस के क्वालिटी का घर देने में हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सर, आपने कहा कि आप बजट होम्स बना रहे हैं, पर आपका प्रोजेक्ट लग्जूरियस सेगमेंट में भी आता है, तो बजट होम्स और लग्जूरियस होम्स को आप कैसे बैलेंस करते हैं? लग्जूरियस सेगमेंट्स को बनाने के लिए यहाँ बहुत बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, इस पर हम लोगों ने आज तक कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। स्पेशली जो जो काम किया है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ही सोच के काम किया है, तो लग्जूरियस सेगमेंट के लिए हम लोगों की सोच अब स्टार्ट होगी। ये जो सहारा का लैंड सेगमेंट लिया है उसके अंदर हम लोग इस बारे में सोचेंगे। वसई में जो आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सोचा है आपने? स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यहाँ बेसिकली अब इस प्रोजेक्ट सहारा लैंड में स्टार्ट करने के लिए सोचा है, उसके अंदर हम लोगों ने ऑल द कॉमन एमिनिटीज जो हर एक कॉमन आदमी को देनी चाहिए उसके बारे में हमने सोच क्लियर रखी है कि उस सिटी में हम लोगों को एजुकेशनल फील्ड, हॉस्पिटल, ड्रामा थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स और कॉमन एमिनिटीज, जो शॉपिंग, लोगों को दूर दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, जिनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत खर्च होता है, वो सारी की सारी चीज़ें इन वन प्रीमाइसेस दे पाएँ, ऐसा हम लोगों ने कुछ प्लानिंग करने के लिए सोचा है। सर, आपका स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही न्यू है और बहुत ही अच्छा है। सर, अब मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहूँगी कि स्पिन टीवी के जरिए आप आम आदमी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वसई विरार के मेरे स्ट्रगलिंग कैरियर में जो वसई विरार ने मुझे सपोर्ट किया है, जो मुझे साथ दिया है, बहुत बुरे दिनों से गुजरा हुआ मैं एक आम आदमी जिसे इस काम को प्रोग्रेस करने में वसई विरार ने सपोर्ट किया है, उस दृष्टिकोण से मुझे आज खुद को ऐसा लग रहा है कि वसई विरार के कॉमन आदमी के लिए और छोटे बायर के लिए मुझे कुछ करना है। इस सोच से मैंने ये अफोर्डेबल हाउसिंग को चुना है और इसमें ज़्यादा योगदान देने की कोशिश कर रहा हूँ। We got to know a lot about Vasai and its development in the coming years. We'll be meeting you in the next episode very soon. Till then, take care, goodbye and keep watching Spin TV.